नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो आप सभी को पता है, जैसे मैंने वादा किया है, वीडियो को शेयर करने के बाद मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और जो मैसेज ड्रॉप करोगे आपको हर संडे प्राइवेट क्लास के मैं लिंक दूंगा। अब थोड़ा बिजी होने के कारण आजकल मैं क्लासेस के लिंक्स नहीं बना रहा हूँ। अब उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी आई थिंक 50 से 50 क्लास ले चुका हूँ। 1 से 50 क्लास, हाँ 52 सप्ताह, मतलब 1 साल तक पूरी रोज एक क्लास मैंने दी थी, और उसमें मैंने सभी पैटर्नों के बारे में, सभी एनालिसिस जो फंडे में अप्लाई करता हूँ, सब मैंने उसमें रिवील किए थे। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं, सर वो क्लासेस के लिंक्स मिल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको दूसरे चैनल पर डालता हूँ और डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर फ्यूचर में आपको क्लासेस के लिंक चाहिए, ठीक है, जो मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि दोबारा बनाऊंगा, थोड़ा आप इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। क्लासेस के लिंक जैसे बनेंगे आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा क्लासेस में वही रिपीट हो जाएगा तो क्या फायदा। ठीक है, और साथ में फेक अकाउंट से बच के रहना। ठीक है, बाकी आगे लेके चलता हूँ वो स्टॉक के नाम की तरफ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देखना और ध्यान से सुनना। ठीक है, लगातार आपके क्वेश्चन ये स्टॉक के बारे में आने में लगे, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के क्वेश्चन आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा वीडियो के माध्यम से, रिप्लाई कमेंट के माध्यम से। तो ये देखो, लू हारू का शेयर करके स्टॉक है, और लकीली ये स्टॉक मैंने खुद बाय किया है, तो मुझे लगा चलो एक अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, स्टॉक में ऑलरेडी हमको देखो बता देना चाहता हूँ, ये स्टॉक ने 2 रुपए का आपको दिख रहा प्राइस, अभी ये स्टॉक 4 से 5 रुपए का हाई लगाया था। तो स्टॉक में ऑलरेडी हमने मैंने खासकर 200-300% का गेन ऑलरेडी बुक कर लिया है। स्टॉक में मेरा अभी 1 रुपए का लॉस नहीं है। ठीक है, मतलब मैं स्टॉक को चाहूँ तो 200-300-400 रुपए के लिए गेन के लिए बैठ सकता हूँ, शायद आप लोग ना बैठ पाओ। ठीक है, साइकोलॉजी समझो कि क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैंने स्टॉक में अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, मतलब कैपिटल अपनी विड्रॉ कर ली है। अब मैं प्रॉफिट से प्ले कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि स्टॉक आपको 200 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक मिलता है, ठीक है, मैं इसकी सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। देखो भाई लोगों, ठीक है, मेरी अगर 1 रुपये 12 पैसे की कॉस्ट है, तो अगर आप 2 शेयर से बाय कर, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बहुत हायर रहती है, और आपके विनिंग ऑफ बोल सकते लूज उसके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे हैबिट नहीं करोगे तो भैया आपको पैसा गंवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी पेनी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो कि भैया चेस कर रहे हो कि जिस प्राइस मैंने आपको सजेस्ट किया बहुत ऊपर जा चुका है, जब नीचे रिट्रेसमेंट करे तो बाय करो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर गलती से वो स्टॉक उसी कॉस्ट में जाता जहां मेरी कॉस्ट है, तो आप फिर वहां के लिए पैसा रखो। ऐसा नहीं है कि आपने 2.50 में 1 लाख रुपए डाल दिया, फिर आप देख रहे हो कि प्राइस 1 रुपए आ गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए नीचे के प्राइस फिर आपको एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई पर्सनली मेरा ये अच्छा स्टॉक था, अच्छा पैसा कमा के दिया। रीजन क्या था आपको बता दूं, ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया था, मुझे क्यों लगता है स्टॉक 200 के टारगेट दिखा सकता है। देखो ऑलमोस्ट स्टॉक, देखो यहाँ से 47 पैसे रनिंग होना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 5 रुपए तक गया, बहुत अच्छा पैसा हमने इसमें कमाया। आप देखो यहाँ पर से देखिए टाइट रेंज बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो टाइम बिता रहा है, तो जितना टाइम बिताएगा उतना बढ़िया होगा स्टॉक के लिए। अब ये स्टॉक मुझे मुझे क्यों लगता है कि 200 रुपए का टारगेट दिखाएगा, उसके पीछे का रीजन होता है पैटर्न कुछ। ठीक है, आप लोग खुद ये देख सकते हो कि ये स्टॉक जैसे नीचे गिरा है, तब ये स्टॉक नीचे गिरा है, देखो लगातार रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे 3 हरी कैंडल बनाई है, उसके बाद इस देख सकते हो नीचे गिरा है। तो स्टॉक के जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे, अभी वो टारगेट नहीं आएंगे ध्यान रखना, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, हो सकता है 5 साल के बाद आए, 30 रुपए के इमीडिएट टारगेट रहेंगे स्टॉक के। अगर स्टॉक ने मोटा मोटी 50 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो स्टॉक आपको 200 रुपए के टारगेट दिखाएगा, बिलीव मी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा पैटर्न स्टॉक बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपको 1 रुपए डेट में स्टॉक मिलता है तो पक्का बाय करना। ठीक है, पहले बोल दूं, लोहारू का मीडिया अगर आपको दोबारा मिलता है तो बाय करो, ये स्टॉक आपको 30 रुपए, ठीक है, उसके बाद आपको 200 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, आपको या तो 30 रुपए मान लो, या फिर मोटा मोटी ये मान लो 17 रुपए, और यहाँ पर आप 100 रुपए मान सकते हो। ठीक है, तो ये टारगेट आ सकते हैं स्टॉक के। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर नई एंट्री करनी है तो प्लीज फॉलो करना रूल को। ठीक है, 2 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हो, चाहो तो स्टॉप लॉस लगा लेना, लेकिन 1 रुपए में पक्का करना, राइट। तो ये प्रॉपर है, आप बोल सकते हो इसको बोलते हैं 0 to 0 ट्रेड, लेकिन 0 to 0 ट्रेड उनके लिए होता है जो लोग महंगा बाय करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए कोई 0 to 0 है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 बार पैसा कमा लिया है, अब हम सिर्फ खेल देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं।
क्या पता जो स्टॉक में मैंने अगर मान के चलो 1,000 रुपए भी डाला, एग्जाम्पल खा रहा हूँ, अगर गलती से 200 रुपए हो जाता है स्टॉक, तो भैया जो 1,000 रुपए है वो बहुत बड़ा रिटर्न बना देगा, 2-3 लाख रुपए भी हो सकता है, ठीक है, वो 1,000 रुपए बस। तो यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ पेशेंस, धैर्य और एनालिसिस, ठीक है, जिसकी आज 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अब से 10 साल के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी 1,000 रुपए की, वो 100 रुपए के बराबर होगा, लेकिन वही 1,000 रुपए जो आपने आज इन्वेस्ट किया वो 2 लाख बन सकता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप एनालिसिस करोगे और मेरे अगर तरीके से फॉलो करोगे। देखो 1,000 रुपए डाला, प्रॉफिट बुक किया, कैपिटल निकाली, प्रॉफिट छोड़ दो, समझ गए, कैपिटल निकाली, प्रॉफिट छोड़ दो 2 लाख के टारगेट के लिए, या तो 0 होगा या तो हीरो होगा, लेकिन जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो टारगेट मैंने बोले वो आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बेस्ड सिस्टम है, ऐसी हवा बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर पैटर्न मैं आपको दिखलाऊंगा, समझाऊंगा ना, टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, बहुत सारे पास में कुछ चार्ट्स में बने, तो यू विल अमेज कि भैया हाँ भैया कुछ बड़ा तो हुआ है और इसी पैटर्न की वजह से हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ अगर समझना जानना तो डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे।